तो महाराष्ट्र में हाल बेहाल है। हालात ये हो गए हैं कि 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, रायगढ़ से संवाददाता अजय दुबे और सतारा से हमारे साथ रौनक कुकड़े जुड़ रहे हैं। एक एक कर दोनों का रुख करेंगे। रौनक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। सतारा में भी लैंडस्लाइड की खबरें आई, 5 जगह ऐसी बताई जा रही जहाँ भूस्खलन हुआ। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? जी देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिमा, अभी भी यहाँ पर बारिश का जोर जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो कल रात में हमें जो अपडेट मिली थी, करीबन 5 जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें जो है वो सामने निकल कर आई है। जो एनडीआरएफ की टीम है और जो लोकल प्रशासन है, जहाँ पर घुसकरण हुआ है उस जगह को, उस रोड को क्लियर करने में जुटी हुई है। और मुख्य तौर पर आपको अपडेट दे दूँ मैं प्रतिमा, महाबलेश्वर का जो इलाका है वहाँ पर करीबन पिछले 24 घंटे में 553 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। वहीं कोयना डैम के इलाके में 110 मिलीमीटर बारिश हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मूसलाधार बारिश इस पूरे सातारा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रही है। और कोयना डैम जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है, उसके 6 दरवाजे 12 फीट तक खोलने पड़े, जिसकी वजह से आसपास के जो गांव है वहां पर खतरा मंडरा रहा है। चिपलून जिस इलाके में कल जो हमने अभी रिपोर्ट में तस्वीरें दिखाई, जहां पर परसों हाहाकार मच गया था बारिश की वजह से, तो कोयना डैम का जो पानी था वो छोड़ने की वजह से आगे जो वशिष्ठ नदी है उसमें बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी चिपलून में घुस गया। तो इसी तरह की स्थिति जो है वो पूरे इस इलाके में देखने को मिल रही है। और आज भी यहां पर अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से फिलहाल बाहर ना निकले। जी ठीक है, हमारे साथ रायगढ़ से हमारे संवाददाता अजय दुबे भी हैं। अजय, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि रायगढ़ में तो बड़ी तबाही हुई है, 36 लोगों की मौत भूस्खलन की वजह से। अभी क्या मौजूदा हालात है? छत्तीस का आंकड़ा था दिन के समय, लेकिन शाम होते होते जब तक हम वहां पे मौजूद थे, 2 और शवों को निकाला गया था शिरीन, और लगभग ये जो आंकड़ा था 38 तक पहुंच गया था। 38 के बाद आंकड़े के मैं भी स्थिति बता दूं आपको। देखिए, सावित्री नदी मेरे ठीक सामने है, अभी आपको पानी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कल के समय तक हाईवे तक ये पूरा पानी पहुंचा हुआ था। जिस तरीके की तबाही का मंजर यहाँ पे था, सावित्री नदी इस पूरे इलाके से जिस जिस हिस्से से होकर गुजरी है, पूरा पानी पानी के संग जो बाढ़ का पानी था उसके संग घर का सामान, घर का जरूरत का सारा सामान बहाकर लेके आई, और आसपास आपको फैला हुआ पूरा जो मलबा दिखाई देगा, कुर्सियां दिख रही हैं, घर की जरूरत का दूसरा सामान है यहां से दिखाई दे रहा है। तो जो स्थानीय लोग हैं उसे लेने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, आपको दिखाई देंगे। खेतों की तरफ लोगों का आना जाना अभी भी जारी है। इसके अलावा जो आगे के इलाके हैं उस तरफ अभी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, नेटवर्क ना होने के चलते दिक्कतें हैं, बिजली नहीं है तो दिक्कतें हैं। पानी उतर गया है, जो सबसे सकारात्मक बात है रायगढ़ की, कि पानी अब धीरे धीरे उतरने लगा है। कुछ जगहों पर ही पानी बचा है, जहां पर धीरे धीरे नदी का स्तर कम होने के साथ साथ पानी कम हो रहा है, तो जनजीवन जो है फिर से पटरी पर लौटता हुआ। लेकिन कई ऐसे गाँव हैं जहां पर अभी भी पानी की दिक्कत है। लैंडस्लाइड जिन जगह पर हुई थी उस जगह पर पूरा इलाका सपाट हो गया है। आसपास के ग्रामीण लोग जो थे, जिनके परिजन वहां पर मौजूद थे, अभी उनको खोजने का सिलसिला जारी है। एनडीआरएफ की टीमों के संग लोकल लोग लगे हुए हैं कि अगर कोई और भी बचा है, क्योंकि लैंडस्लाइड में दबे हुए लोग नहीं थे, लैंडस्लाइड के पहाड़ के संग पानी जो था वो पानी बहाकर लोगों को आगे नदी तक लेकर गया। अब नदी के आसपास एनडीआरएफ की टीम अभी भी खोजबीन का जो काम है, कल शाम तक हमने अपडेट लिया था तो कर रही थी। जी अजय, अभी आपके पीछे की तस्वीरों को देखकर तो ये लग रहा है कि बारिश फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन प्रेडिक्शन क्या कहता है, क्योंकि अगर दोबारा बारिश होती है तो दोबारा मुसीबत झेलनी पड़ेगी इलाके के लोगों को। निश्चित ही अलर्ट अभी भी जारी किया हुआ है मौसम विभाग ने, और प्रेडिक्शन के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डैम खुलने की सूचना रौनक कुकड़े दे रहे थे उसका असर यहां तक पड़ सकता है, क्योंकि जो स्थानीय पूरे इलाके हैं जो नदियों के कनेक्शन के बीच की बात है उसके चलते इसकी संभावना बनती है। और नदी अभी आप जो देख रही है, मैं फिर एक बार प्रतिमा दिखाऊंगा, क्योंकि जो सारी विपदा, सारी आपदा और सारी तबाही की तस्वीर इस नदी में इकट्ठा हुआ जो पानी था वो कारण था। जो आसपास के पहाड़ है अभी भी आपको झरने दिखाई देंगे, उन जब मैं कल आया था यहाँ पर तो जो रफ्तार नदी थी और जो नदी की रफ्तार थी, जो झरनों से आ रहे पानी की रफ्तार थी, वो बेतहाशा भयावह थी। लेकिन अभी क्योंकि बारिश रुकी है तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पानी छोड़ा जा रहा है वो थोड़ा डराने वाला तस्वीर दिखाता हुआ। और ये आप देखिए, जरा एक नजर खेतों को भी देखते चलिए, अभी जो तस्वीर में खेत दिखाई दे रहे हैं आपको, धान के खेत बिल्कुल समा सपाट आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जो तबाही थी पानी की, यहां तक पूरा पानी चढ़ा हुआ था, खेती भी खराब कर गया है, सामान भी बहाकर लेकर आया है। अभी सकारात्मक बात है कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो डैम का पानी छोड़ा जा रहा है स्थानीय लोगों के मन का डर बढ़ा रहा है। ठीक है अजय, आप हमारे साथ रहिए, रौनक भी हमारे साथ है, लेकिन जिस तरह से प्रतिमा स्थिति बिगड़ रही है, लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और महाराष्ट्र के सतारा में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश हाहाकार मचा रही है। वहां के ताजा हालात पर हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े की एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं।
के सातारा में पिछले तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह पर जिले में भूस्खलन की खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। मैं इस वक्त सातारा में ही मौजूद हूँ और सातारा में मुख्य तौर पर अब भी बारिश जो है वो यहाँ पर रुक रुक कर तेज बारिश होती हुई दिख रही है। जो जानकारी स्थानीय प्रशासन की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक कोयना डैम में 16 TMC पानी जो है वो जल स्तर वहाँ पर बढ़ा हुआ है और कल जिस तरह से तेज बारिश हुई थी उसकी वजह से करीबन 53,000 क्यूसेक लीटर पानी जो है वो वहाँ से छोड़ा गया। कोयना डैम के जो 6 दरवाजे हैं वो 12 फीट तक खोल दिए गए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सातारा के महाबलेश्वर कोयना इलाके में ज़बरदस्त बारिश देखने को मिली है। उसकी वजह से जो पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है उसने निश्चित तौर पर आसपास के जो गांव है वहाँ पर खतरा जो है वो उनके लिए बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है सातारा डिस्ट्रिक्ट के ही कराड़ में यशवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे उनका जो समाधि स्थल है वहाँ पर भी पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। वो पूरा समाधि स्थल पानी में डूब चुका है। मुख्य तौर पर अगर देखें तो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक फिलहाल पिछले 24 घंटे की तरह ही आने वाले 24 घंटे में भी इस इलाके में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, ABP न्यूज़ सातारा। तो रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट से साफ हो गया होगा कि शहर के भीतर क्या हालात हैं। ये दोनों हमारे साथ लाइव जुड़े थे, रौनक कुकड़े आपका और अजय दुबे आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।